गाइस एंड वेलकम बैक टू खाना खजाना विद सुनीता। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ राजस्थान की फेमस बाफला बाटी की रेसिपी। तो ये बाटी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनती है खाने में। तो आज मैं इस बाटी को नॉर्मल कुकर में बनाऊंगी। अगर आपके पास बाटी कुकर नहीं है तो भी आप इस बाटी को ईजिली घर पर बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है ये बाटी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास आए। तो बाटी बनाने के लिए सबसे पहले हम बाटी का आटा लगा लेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप गेहूँ का आटा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच बेसन का। तो यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मैंने बेसन का इसमें डाला है और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर हम सूजी डालेंगे इसमें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच अजवाइन ली है। इसे हम हाथ से थोड़ा क्रश करके इसमें डाल लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे नमक। तो यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच नमक इसमें डाला है और इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। तो सभी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सभी चीज़ों को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगा लेंगे। तो नॉर्मल टैप वाटर यहाँ पर मैंने लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पर आटा मैंने लगा लिया है और हम थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो आटे को यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखा था और थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है ये। तो अब यहाँ पर आटे पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा घी ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो आटा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। आटे को हमने ज़्यादा ना टाइट लगाया है और ना ज़्यादा ढीला इसे रखा है। तो अब हम इसकी लोई तोड़ लेंगे। तो जिस साइज़ की हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़े बड़े साइज़ के हम यहाँ पर इसकी लोई तोड़ लेंगे। तो अब यहाँ पर हम एक लोई लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे बाइंड करेंगे। तो अच्छे से हमें इसे बाइंड करना है और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे निकाल देंगे और यहाँ पर इसे राउंड करते हुए ऐसे गोल शेप दे देनी है हमें। तो ऐसे बाटी की तरह मैंने इसे शेप दे दी है। ऐसे ही बाकी सारी बाटी भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी बाटी मैंने बनाकर तैयार कर ली है। तो यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है और इसमें 1/2 पानी भर लिया है। इसे हमें अच्छे से गर्म करना है। तो बिल्कुल अच्छे से पानी को हमें गर्म करना है। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। तो पानी को इतना गर्म करना है इसमें अच्छा सा बॉयल आए, उसके बाद हम इसमें बाटी डाल देंगे। तो एक एक करके सारी बाटी यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ। तो घी डालने से बाटी जो है वो आपस में चिपकेंगी नहीं। और आप देख सकते हैं जैसे ही हम इसमें बाटी डालेंगे तो बाटी थोड़ी देर में ऊपर फूल कर ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें हाई फ्लेम पर बाटी को जो है वो बॉईल करना है और बीच बीच में हम इसे ऐसे चलाते रहेंगे ताकि आपस में चिपके ना। तो एक बार और हम इसे चला लेंगे ऐसे।
और हम इसे लिड से ढककर कुक करने के लिए रख देंगे ताकि ये जल्दी से बॉईल हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद बाटी जो है वो अच्छे से बॉईल हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी ये फटने लग गई है, इसका मतलब बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो चुकी है बाटी अब। तो अब हम सारी बाटी एक बर्तन में निकाल लेंगे और जो बाटी का पानी है आप चाहे तो उसे दाल में भी यूज कर सकते हैं। तो बाटी जो है वो अच्छे से बॉईल हो गई है, मैं आपको एक टूथपिक डालकर दिखा देती हूँ। तो 80% तक बाटी जो है वो बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है। तो अब हम बाटी को सुखा लेंगे, इसके लिए यहाँ पर मैंने चॉपिंग बोर्ड लिया है, सारी बाटी को हम इस पर रख देंगे। तो यहाँ पर बाटी जो है वो बिल्कुल अच्छे से सूख गई है और यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे पहले। तो घी अब अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम एक एक करके इसमें बाटी रख देंगे। तो जितनी बाटी एक बार में आए फ्राई होए उतनी आप इसमें रखें। तो अब हम इन्हें पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी ये फ्राई हो रही हैं घी में। ऐसे ही सारी बाटी को हम पलट लेंगे और ऐसे अलटते पलटते हुए इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है चारों तरफ से। तो आप चाहें तो ऐसे बड़े स्पैचुला से भी बाटी को एकदम अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। तो बिना बाटी कुकर के भी आप नॉर्मल कुकर में एकदम आसानी से बाटी जो है वो बना सकते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है बाटी। तो यहाँ पर इसमें 1 चम्मच घी और डाल रही हूँ मैं और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे अब हम। तो देखिए फ्रेंड्स बाटी जो है वो बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है, इन पे अच्छा सा कलर भी आ गया है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कुकी हो गई है बाटी। तो हम सारी बाटी एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब सारी बाटी को यहाँ पर मैंने कुकर में से निकाल लिया है। तो ऐसे ही जो दूसरा बैच है बाटी का भी उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो बाटी का दूसरा बैच भी अच्छे से फ्राई हो गया है, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स आपने घर में कितनी इजीली हमने बाटी बनाकर तैयार करी है और आप देख सकते हैं ये अच्छे से ऐसे फट गई है, मतलब बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है ये बाटी और बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो अब इनके ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा घी हम लगा लेंगे। तो जब तक बाटी में घी अच्छे से नहीं डलता है तब तक बाटी में अच्छा टेस्ट नहीं आता है, आप चाहे तो घी थोड़ा कम भी डाल सकते हैं बाटी में। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी बाफला बाटी बनकर तैयार है और मैंने इसे दाल के साथ सर्व करा है। तो यहाँ पर 2 कप आटे में मैंने 12 से 13 बाटी बनाकर तैयार कर ली है। तो अब मैं आपको एक बाटी तोड़कर दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर तक इसमें घी गया है और बिल्कुल सॉफ्ट ये बाटी बनी है और बिल्कुल गरम गरम दाल के साथ आप इसे सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगी ये। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।